मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप सब तशरीफ़ लेके आए, और आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि आपको पता है कि मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, और मरीज़ों की तादाद बढ़ने के साथ साथ नेचुरली अगर इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ेगी तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी, और रोज़ाना कोई ना कोई चिमगोइयाँ जो हैं वो आप सुनते हैं। कभी एक उस पर सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि बेड अवेलेबल नहीं है, कभी दूसरे सोशल मीडिया पे कि जी वेंटिलेटर नहीं है। तो ये सारे जो खदशात थे इनको दूर करना बहुत ज़रूरी था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें ख़ास हदायत दी कि हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है वो हमने अपने मीडिया के साथ शेयर करना है, और उसके लिए एक बाकायदा वेबसाइट जो है वो भी बना दी गई है, लाइव वेबसाइट जिसके ऊपर से आप सारी डिटेल्स ले सकेंगे। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे पास आप सबको लिटरेचर दिया गया, आपको सबको हमने बाकायदा जितने हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर कोविड पेशेंट्स के लिए हमने बाकायदा बेड्स एलोकेट किए हुए हैं, वेंटिलेटर्स एलोकेट किए हुए हैं, इसके अंदर आइसोलेशन वार्ड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, वो एक एक फिगर जो है वो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं आज के दिन की। ये सारा कुछ अब हमारे वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, और वो इसलिए मौजूद करना बहुत ज़रूरी था कि कहीं ये ना हो कि खदशात की वजह से, या ये बात जैसे खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो और उसको पता चलना चाहिए कि उसने किस अस्पताल में जाना है। 1122 आपको पता है कि जो हमारे मरीज़ हैं उनको घरों से लेता है, या अगर जो सीरियस पेशेंट हैं उनको पहुंचाने के लिए 1122 को एक ऐप दे दिया गया है, वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ उनका कांटेक्ट होता है। नज़दीक तरीन हस्पताल जिसके अंदर जो जगह मौजूद होगी वो उनको दे दी बताई जाएगी, ताकि वो मरीज़ को लेके जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, बजाय ये कि वो एक अस्पताल में जाएं और दूसरे अस्पताल में जाएं इस खदशे के अंदर कि इधर जगह नहीं है उधर जगह नहीं है। अगर आप ये जो पहली शीट है, ये मैंने आपके सामने ये वाली अगर आप सबके पास है, इसके अंदर आप देखिए स्पेशलाइज हेल्थ केयर के 46 अस्पताल हैं, टोटल नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हैं 27,000। इनमें जो हमने आइसोलेशन वार्ड्स और जो नंबर ऑफ बेड्स इन एचडीयूज और नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स वो सारों का अलहदा अलहदा बता दिया। अब मकसद ये है कि जी इस वक्त हमारे पास अगर आप देखिए नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल 303, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स 64, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर। अगर आप देखें तो फिर 239 हमारे पास वेकेंट हैं, जो अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के मसले में लोगों को पता होना चाहिए जो मरीज़ को लेके आ रहे हैं, 1122 लेके आ रहे हैं। और ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा जो आइसोलेटेड पेशेंट्स घर में हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, या वो मरीज़ जो आपको खदशा है कि ये कोरोना का पेशेंट, आपने 1122 को कांटेक्ट करना है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं उनको पता होगा कि आपको कहाँ लेके जाना है, बजाय ये कि अपनी गाड़ियों में बिठा के, इस तरह हमारे पास पिछले दिनों यही प्रॉब्लम हुआ कि जी ये कोरोना सस्पेक्टेड है, इस तरह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो अपने आप को कोरोना सस्पेक्टेड कहते हैं उसके लिए हम बार बार, आपको पता है लाहौर का ख़ास तौर पे सबसे पहले जो लाहौर का अपना एक अलहदा चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है मेयो हॉस्पिटल में, जो ओवरऑल लाहौर के न सिर्फ सरकारी हस्पताल बल्कि सारे निजी हॉस्पिटल जो हैं उनका भी एक एक इंफॉर्मेशन वो देने को तैयार होंगे। और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 1122 जहाँ से भी चले गए उनके पास ऐप है, वो फ़ोन करेंगे, उस ऐप के ऊपर उनका आ जाएगा कि ये अस्पताल आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके अंदर वेंटिलेटर भी अवेलेबल है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, आप मरीज़ को डायरेक्टली वहाँ ले जाएं।
दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अपने कंट्रोल रूम के ऊपर मजीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है. मैं ज़रा अजमल भट्टी साहब से कहूँगी कि ज़रा इमीडिएटली आप ज़रा डेमोन्स्ट्रेट कर दें और दिखा दें. ये टैबलेट है जो कि हमारे सारे लोगों के पास, जो हमारे आइए डॉक्टर जो हाँ जी बताइए जी. थैंक यू मैडम. इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने एक वेंटिलेटर्स और बेड्स के प्रूडेंट इस्तेमाल के लिए ऐप बनाई है. मैं करीब से भी आपको अभी दिखा देता हूँ. इसका बेड्स वेंटिलेटर्स ऑक्यूपेंसी इन पंजाब है. आप मैंने आपके सामने ये लाहौर को लाया है जिसपे जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि लाहौर में हमारे पास 13,630 बेड्स हैं जिनमें से 696 ऑक्यूपाइड है. ये लाइव डाटा आपके सामने आ रहा है और वेकेंट हमारे पास 12,934 हैं. लाइक वाइज अगर आप नीचे वाले में देखिए तो टोटल 854 हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और ऑक्यूपाइड उसमें से 255 हैं, बाकी हमारे पास 593 खाली हैं. लाइकवाइज अब मैं इसका एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये काम करेगी वो ये है कि मैं अब आपके सामने ये चीज़ खोल रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर के किसी भी एरिया में इस वक्त खड़े हुए हैं तो जब आप ये एम्बुलेंस या ऐप इस्तेमाल करेगी तो ये ऐप उसको बेड्स की भी सिचुएशन बता देगी और इस पर वेंटिलेटर्स की भी बता देगी. ठीक है जी. जैसे अभी हम यहाँ पे सीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो किला गुजर सिंह में हॉस्पिटल है या गंगाराम में है ये भी खुल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं इस वक्त, कितने कोरोना के पेशेंट्स में ऑक्यूपाइड हैं और कितने वेकेंट हैं. लाइकवाइज वो आपको वेंट्स की भी तफसील बता देगा कि कितने अवेलेबल हैं, कितने इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं और कितने वेकेंट हैं. तो ये जैसे खुलती है तो मैं आपको करीब आके इसका मैं डेमो भी दे देता हूँ आपकी सहूलत के लिए. चलिए, ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि एक दफ़ा आपके साथ पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो खर्चा हो रहा है कोरोना वायरस का वो हमने लाइव उसका बाकायदा रोज़मर्रा का जो आपको एक्सपेंडिचर है वो हम बताते हैं और वो वेबसाइट पे है. और उस सिलसिले के अंदर जो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि ये लेटर जो है ये हमें पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने भेजा है. पंजाब इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने ये, मैं आपको ज़रूर इसकी कॉपी दे दूंगी, तो अच्छा काम होता है तो ज़रा उसकी तारीफ भी हो जानी चाहिए. उन्होंने ये कहा द कमीशन अप्रिशिएट्स द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट फॉर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन बट फॉर ऑल्सो अपलोडिंग इंटायर इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट. वेबसाइट उन्होंने कोट की है, ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट टू इंश्योर द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पंजाब. कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर मे बी सर्कुलेटेड टू ऑल सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. ये क्योंकि आपके साथ पिछली दफ़ा हमने शेयर किया था कि हमने वेबसाइट पे डाला है इसका बाकायदा द वे वी हैव पुट इन. उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इसके तहत हर सिटीज़न का हक है कि उसको खर्चे का पता चले कि हम किस तरह पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत के पैसे जो हैं ये आवाम के पैसे होते हैं, आवाम को पता होना चाहिए. तो ये बाकायदा नाउ ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स वी ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. ये बातें अब एक तो आपको ये क्लियर कर दिया कि हमारी वेबसाइट पे खर्चा भी है, हमारी वेबसाइट्स पे अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस भी होंगी. तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जी, और इसके अंदर सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, निजी अस्पताल का भी. अब जैसे प्राइवेट अस्पताल अगर मैं सिर्फ यहाँ बताऊँ तो 53 प्राइवेट अस्पताल हैं. इन 53 अस्पतालों में नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड 381 हैं, 23 वेंटिलेटर्स फिल्ड है, 358 वेकेंट है. इनकी सारी डिटेल जिस तरह आपको हमने पकड़ाई है शीट्स, उसमें एक एक हस्पताल एक एक जगह की बाकायदा वैकेंसी पोजीशन भी बताई गई है. और ये लाइव होगी हर रोज़ हमारे वेबसाइट पे ताकि लोग जो हैं परेशान ना हो, क्योंकि इस वक्त जो परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि तादाद मरीजों की बढ़ रही है, हस्पतालों में जगह नहीं रही, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे. तो मैं ये खदशात जो हैं मैं चाहती हूँ कि आपकी वसादत से ये सारे खदशात दूर कर दूँ. और ये नंबर जो आपके सामने हैं ये इंशाल्लाह हम हर रोज़
हर रोज नंबर्स, हर रोज कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, उसके लिए हमने बाकायदा अपनी इस वक्त हमारी वो कमेटी बैठी हुई है जो हमारी एक्सपर्ट्स की कमेटी, जिसके चेयरपर्सन जो हैं वो डॉक्टर महमूद शौकत हैं, अपने को कन्वीनर जो हैं वो डॉक्टर असद असलम हैं, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पी के लाय से, डॉक्टर सोमिया, डॉक्टर शाहिद मसूद उनके बच्चों के, हमारा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स उसके हेड हैं, ये हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हर रोज़ एक स्पेसिफाइड टाइम पे हर रोज़ आपको ब्रीफिंग देंगे। एवरी डे दे विल गिव यू अ ब्रीफिंग, जिस ब्रीफिंग के अंदर हम आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा न खास्ता हम पब्लिक से छुपाना चाहते हैं। पब्लिक को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मर्ज यहाँ आ चुकी है, कोरोना वायरस यहाँ मौजूद है, हमने इसके साथ ज़िंदा रहने की कोशिश करनी है, और ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, और ख़ुदा न खास्ता अगर इन्फेक्ट हुए तो उसके लिए हमने क्या क्या इकदाम उठाने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी मुझे बताया है, जब मैं अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, कि उन्होंने कहा है मंडे ऑनवर्ड्स आफ्टर द नेशनल कमांड मीटिंग एक अवेयरनेस कैंपेन, बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, लोगों को हिफाजती तदाबीरों के बारे में आगाह करने के लिए, SOPs फॉलो करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होगा, विच इज़ गोइंग टू बी लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वजह यह है कि आप और मैं इस बात को समझते हैं कि आप परमानेंटली किसी भी हस्पताल को, किसी भी कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। जो हालात डेवलप हुए हैं दुनिया में, अमरीका जैसे बड़े मुल्क के अंदर लोग रोटी खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि उनको खाना मिले। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि शुक्र है खुदा का, टाइमली इकदाम हमारी हुकूमत ने उठाए। गरीब आदमी प्रायोरिटी नंबर वन था, लोगों तक पैसे भी दिए गए, टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात ने खाने भी बांटे, सो इट हैज़ बीन गुड फॉर अस। आखिरी जो आज का मौजू है वो है थेरेपी। ये एक इवॉल्विंग बीमारी है, कोई बंदा इसका एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया में कोई बंदा इसका एक्सपर्ट नहीं है, कोई फिक्स जो है ना ये कि जी ये इलाज है इसका, देर इज़ नो बडी एन एक्सपर्टेड। हर मुल्क के अंदर, बड़े मुल्कों में, एडवांस्ड मुल्कों के अंदर, हर जगह बाकायदा रोज़मर्रा नई ट्रायल्स की जाती हैं, नई मेडिसिन के ऊपर बात हो रही होती है। अब इस वक्त हमने एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल, जो बड़ी मशहूर हूँ अपना प्रोफेसर महमूद शौकत का, इन्होंने एक्सपर्ट्स के ग्रुप के साथ मिलके एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया, उसकी भी हमने आपको कॉपी दे दी। ये यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हम पूरे पंजाब के सब अस्पतालों में ये प्रोटोकॉल फॉलो करें, ताकि यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हो और इसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर बात करता है। अब जैसे आपके सामने है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर हम एक ट्रायल कर रहे थे, लेकिन ट्रायल्स के जो नतायज बाकी दुनिया में आए वो उस पर ये कहा गया कि इसका फ़ायदा नहीं है, तो इमीडिएटली, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये रोज़मर्रा मॉनिटर करता है, इन्होंने इमीडिएटली इसके बारे में रोक दिया इसको। और उस रोकने की वजह से ये है कि अब नई मेडिसिन भी ट्राई हो रही हैं। एक मेडिसिन जो हम जिसको ट्रायल पे करने लगे हैं, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, नहीं मैं बता रही, उसका नाम है टोसिलिज़ुमाब। मैं स्पेल आउट करने से तो आपके पास सबके पास आ गए। ये बेसिकली कहा जाता है कि जब किसी को कोरोना वायरस लगे तो आपका जो कुव्वत मदाफियत का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो रिस्पॉन्ड करता है, और वो रिस्पॉन्ड करके साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, और साइटोकाइन एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करता है ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ लोगों के अंदर ये साइटोकाइन स्टॉर्म बन जाता है, यानी एक बाकायदा तूफान की तरह।